वर्ष 2020 की शुरुआत इस बार सभी के लिए आपदा और विपत्ति के साथ हुई है। आमजन जहां कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो वहीं किसान भी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है उसको लेकर उसके दुष्प्रभाव लगातार देखे जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं पर सूखा तो कहीं अनियंत्रित बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं इन दिनों हुई भारी बारिश के चलते एक और जहां कई क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब गए हैं तो वहीं देश के अन्नदाता की परेशानियां भी बढ़ गई है, जिसमें बाढ़ से तो उनकी फसलें नष्ट हुई हैं, वहीं इस अनियंत्रित बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल पीले मोजेक वायरस ने भी नष्ट कर दी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन एक हद तक किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाकर राहत देने की कोशिश कर रही है, परंतु शासन की इस योजना में किसान काफी हद तक परेशान होते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अऋणी किसानों को बैंकों में फसल बीमा के प्रीमियम भरने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते बैंकों में किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक और जहां शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रहा है, वहीं इन दिनों जिस प्रकार से बैंकों में फसल बीमा कराने के लिए किसानों की जो भीड़ जमा हो रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं फसल बीमा को लेकर किसान 3 दिन से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी नंबर नहीं आने के कारण गुस्साए हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, गत वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा रहे थे, जिसके तहत किसान CSC कियोस्क सेंटर पर जाकर इस फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे थे, परंतु वर्तमान में इस प्रकार की कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था न होने के कारण बैंकों पर दबाव बढ़ गया है व किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिसमें सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था डिजिटल इंडिया का जो सपना बुना जा रहा था उसकी वास्तविकता यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से कागजों में डिजिटल इंडिया की वास्तविकता धरा पर क्या है।